तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और हम लोग एकदम फ्रेश उठ गए हैं। उठने का मन तो नहीं था लेकिन उठ गए हैं। और लखनऊ में ठंड अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। डिग्री आज हाँ, 6 डिग्री थोड़ी थोड़ी कम हो रही है लेकिन फिर भी है, 6 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। और हम लोग अपनी फेवरेट जगह बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे अंगीठी हमने जला ली है, यादू बैठी है और कोयला यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है, सोनी मोनी यहाँ प्यार कर रहे हैं आपस देखने में। कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, कर लो पारी, कर लो। हना नीचे गई है, वो बस बात करने लो, वो चीची चीची चालू नीचे गई है सामान लेने कुछ। अभी आएगी तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। अभी अभी बताए क्या हुआ, ये गोफी जो है सोनी मोनी को ऊपर देख रहा था यहाँ पे बैठ के, और आस्था ने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो? वो एकदम से पीछे हुआ और इससे जाके भिड़ गया और उसके थोड़े बाल जल गए। और देखिए नीचे छुप के बैठा हुआ है यहाँ पे, ऐसे डांट पड़ी है ना। डांट पड़ी है बहुत जोर से। ऐसी ऐसी हरकतें कभी कभी कर देता है ना कि मतलब गुस्सा आ जाता है एकदम उस पर। अब ऐसे ठीक रहेगा लेकिन कभी कभी एकदम लगता है कि अभी बच्चा ही है। गाइस, मैं और अनु जा रहे हैं स्कूल। अनु पीछे बैठी है, छुप गई। और बहुत दिन बाद स्कूल जा रहे हैं हम लोग क्योंकि सर्दियों में अनु बीमार थी तो गए नहीं, और उसके बाद छुट्टियां डीएम की इतनी सारी हो गई तो नहीं गए। और आज भी छुट्टी है लेकिन आज इनके स्कूल में प्रिपरेशन के लिए वो है, एक्स्ट्रा क्लास है आधे घंटे की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया। जाना पड़ेगा अनु बड़े स्कूल में। अच्छा ठीक है, नहीं भेजेंगे। ठीक है, हाँ कनीषा आगे निकल जाएगी, तुम मत जाना। ठीक है, हाँ ना, और ऊपर और ऊपर। हाँ, अब छोड़ो इसको, निकालो। देखो देखो, देखा, फिर से करो। हाँ गुड, अब ये चलाओ, इसको ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाओ, अच्छे से घुमाओ। हाँ चलो, हाँ वेरी गुड अनु, वेरी गुड। तो गाइज, शाम हो गई थी और शाम को मैं अनु के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई है 2-3 दिन से जब से लौट के आए हैं, तो आजकल बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ भी शूट करें। बट एक डिप्रेशन पे मेरा लेक्चर था, उसका मैंने लिंक नीचे डाल दिया है, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, और वो मैंने दिया हॉस्पिटल में। और कल जो है वो आनू की एक फ्रेंड है जो ऊपर रहती है, उसके भाई का बर्थडे था लेकिन आनू आ गई थी, तो वहाँ से गुस्सा होके आ गई कि उसने मतलब उसको खिलाया नहीं, तो ऑब्वियसली वो बिजी थे अपने बर्थडे में। लेकिन आनू जो है अभी छोटी है तो उसको पता नहीं रहता है, तो बुरा मान गई तो आ गई थी। तो उसकी फ्रेंड फिर आज आई और उसने अनूप से बात बात की, अपने गिले शिकवे दूर किए, दोस्ती हो गई। देखिए देखिए, इन लोग की दोस्ती हो गई, बब्बी और आनू की। आनू तो छोटी, आनू के पैर तो हवा में है, उसने घगी में उठा लिया उसको। चलो शेक हैंड कर लो, चलो। हाँ बस यही सब चलता रहा पूरे दिन। और आई होप आज आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, बहुत शॉर्ट सा है और स्क्रिप्ट सा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि कल पूरा ब्लॉग बनाऊँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।